नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 85% कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। किसी देश से 5%, किसी से 10%, किसी से 30 से 40%, ऐसे दुनिया के अलग अलग देशों से हम कच्चा तेल अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इम्पोर्ट करते रहते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर भारत किसी देश से 40 से 50% कच्चा तेल इम्पोर्ट करता है और एकाएक उस देश से तेल लेना बंद कर दे तो उस देश की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली उस देश की इकोनॉमी नीचे आनी शुरू हो जाएगी। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के माई बाप सऊदी अरब के साथ, क्योंकि सऊदी अरब से तेल खरीदना भारत ने धीरे धीरे कम कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी अब नीचे आने लगी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को पब्लिश किया है। आइए न्यूज क्या है इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम और रिटर्न अलग अलग न्यूज एजेंसियों ने इस न्यूज को पब्लिश किया है कि जो सऊदी अरब के जो Q4 जीडीपी के जो रिजल्ट आए हैं 2023 के, उसमें इनकी जीडीपी पिछले साल के मुकाबले 3.7% गिरी है ड्यू टू ऑयल सेक्टर, यानी कि तेल मुख्य कारण है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी काफी हद तक कच्चे तेल पर निर्भर करती है और भारत इनसे कच्चा तेल लगातार खरीद रहा था, लेकिन भारत ने कच्चा तेल खरीदने में कमी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी अब नीचे आने लगी है, जीडीपी गिर रही है। ये मैं Q4 की बात कर रहा हूं, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने में इनके 2023 में जो जीडीपी के आंकड़े पिछले साल के मुकाबले 3.7% गिरे हैं। चलिए आइए न्यूज को आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, Q4 of 2023 जो ये इस्लामिक कंट्री है, इसके जीडीपी में 3.7% की कमी आई है पिछले साल के मुकाबले, यानी 2022 में Q4 की जो जीडीपी थी उसके मुकाबले 3.7% की गिरावट आई है इस साल के Q4 की जीडीपी में। अगर ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो ओवरऑल जीडीपी 2022 के रेस्पेक्ट में 2023 में 0.96% गिरी है। ये एक बड़ा आंकड़ा है, इसको 0.96 छोटा आंकड़ा मत समझिए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जीडीपी इनके चरमराने लगी है। अब देखिए, जनरल अथॉरिटी फॉर स्टैटिस्टिक्स ने कहा है कि जो इनके जीडीपी में कमी आई है सऊदी अरब की, उसका एक मुख्य कारण है कि जो ऑयल रेवेन्यू है उसमें 16.4%, मैं रिपीट करूंगा 16.4% की कमी आई है, जबकि जो ऑयल से अलावा अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यानी ऑयल सेक्टर में की जो रेवेन्यू, उसमें कमी आने की वजह से ये सऊदी अरब की इकोनॉमी चरमराने लगी है। अब आखिरकार ऐसा हुआ क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब ओपेक और ओपेक प्लस प्लस कंट्रीज का माई बाप है। जो ये ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज को कह दे वही सारे के सारे देश करते। इनका सिस्टम क्या था, खासकर सऊदी अरब का? जब भी भारत या भारत जैसे देशों को कच्चे तेल की ज्यादा आवश्यकता होती तो ये अपना प्रोडक्शन कम कर देते, और जब प्रोडक्शन कम होता तो भारत इनके पास तेल लेने जाता, तो भारत से कहते, देखिए अभी हम उत्पादन नहीं कर रहे, हमारे पास जो रिजर्व में तेल है वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा। यानी कि सस्ता तेल महंगे दाम में भारत को बेचा करते थे, ये इनका पुराना सिस्टम था, और इसके कहने पर जितने भी ओपेक और ओपेक प्लस देश हैं वो सभी यही करते थे। अब भारत क्या करता, भाई मरता क्या नहीं करता, भारत को जरूरत थी कच्चे तेल की, भारत महंगे दाम पर इनसे तेल खरीदता। इस तरीके से इनकी जो जीडीपी थी वो हवा में थी, उड़ रही थी बहुत तेजी से। लेकिन दोस्तों क्या होता है, आज से 2 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हो जाती है, और जैसी इस वॉर की शुरुआत होती है, खैर मैं वॉर को अच्छा नहीं कहता हूं, लेकिन भारत को इस वॉर से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे रशिया यूक्रेन पे हमला करता है तो पूरा का पूरा जो यूरोप कंट्रीज हैं और अमेरिका, बहुत सारे सेंसर यानी प्रतिबंध लगा देते हैं रशिया पर। अब रशिया का हुक्का पानी हो गया बंद, ऐसे में रशिया अपना जो क्रूड ऑयल है, जो एनर्जी है, जो नेचुरल गैस वगैरह है, वो सेल नहीं कर पा रहा था। अब उसको पैसा चाहिए था वॉर के लिए, उसने भारत को एक अपॉर्चुनिटी दी, भारत को कहा कि अगर आप हमसे क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो हम आपको सस्ते दाम पर देंगे। बस फिर क्या था, भारत पे पीछे हटने वाला था, भारत ने पूरी दुनिया की नहीं सुनी, खासकर अमेरिका और यूरोप देशों की, और जाके रशिया से हाथ मिला लिया और रशिया से सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं दोस्तों, मई 2023 में भारत प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल खरीद रहा था रशिया से, कितना, 20 लाख बैरल अ डे, और हर बैरल पे वो $20 के आसपास का डिस्काउंट दे रहा था। यानी भारत को सस्ता तेल अब रशिया से मिल रहा था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले भारत अपने टोटल रिक्वायरमेंट का 40 से 50% कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीदा था। अब सऊदी अरब तो महंगे दाम पर दिया करता था, अब रशिया सस्ते दाम पर देने लगा, तो भारत ने पूरा का पूरा अपना मार्केट रशिया की ओर शिफ्ट कर दिया। अब सऊदी अरब परेशान हो गया, सऊदी अरब ने कहा ये तो मामला गड़बड़ा गया। सऊदी अरब ने तुरंत ही ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज की मीटिंग बुलाई और कहा, ओपेक प्लस में रशिया भी है, कि ये ठीक नहीं है, हमें अपने तेल के दाम बढ़ाने हैं, और इसके लिए एक ही तरीका है कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बंद कर दो।
अब इसके कहने पर रशिया ने भी अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया और सऊदी अरब ने भी, बाकी कंट्रीज ने भी जो ओपेक और ओपेक प्लस के मेंबर, उन्होंने भी बंद कर दिया। लेकिन भारत इस बार तेज निकला, भारत सऊदी अरब के या रशिया के पास नहीं गया, भारत अमेरिका, यूएई और अब तो ईरान भी तैयार है भारत को देने के लिए क्रूड ऑयल, और इराक जैसे देशों से हाथ मिला लिया। सऊदी अरब की एक ना चली कि प्रोडक्शन बंद कर दो, ठीक है तेल के रेट बढ़ जाएंगे, भारत जैसे देश उनके पास आएगा क्योंकि अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 40% हमसे ही खरीदता है, ये तेल हमसे खरीदेगा। भारत ने एक ना सुनी। अच्छा, ओपेक सऊदी अरब के बोलने से ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज खासकर रशिया ने भी अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया था। भारत से कहा कि अब हमारे पास तेल कम है, हम डिस्काउंट देना बंद कर देंगे। जब रशिया ने भी डिस्काउंट कम कर दिया अपना, तो भारत ने उससे भी दूरी बना ली। तो रशिया और सऊदी अरब की एक ना चली और भारत ने अलग अलग देशों से, इवन मोजाम्बिक, ठीक है, अमेरिका, इराक, इन देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया। तो सऊदी अरब हो गया परेशान। अब सऊदी अरब की एक नहीं चली, जो पुरानी पॉलिसी थी वो फेल हो गई। आपको कुछ और आंकड़े दिखाता हूं जो वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किए हैं। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब की इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार क्रूड ऑयल पर निर्भर करती है। यहां पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, जिस चार्ट में करंट अकाउंट की डिटेल दी है वर्ल्ड बैंक ने। ये 2022 की है, अभी लेटेस्ट तो आई नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि जो सऊदी अरब की इकोनॉमी है वो क्रूड ऑयल पर निर्भर करती है। आप देखिए, कोविड समय में जब दुनिया ने क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया, तो उस समय सऊदी अरब की जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव जाने लगा था, यानी कि माइनस में चला गया था। उसके बाद जैसे दुनिया ने कोविड से दुनिया निकल के आई, बाहर निकल के आई, दुनिया ने कच्चा तेल खरीदना शुरू किया, तो इसकी इकोनॉमी लगातार बढ़ने लगी। लेकिन एकाएक होता क्या है दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को पुनः अटैक कर देता है, किस पर, यूक्रेन पर, रशिया। अब जैसे ही वो उस पर हमला करता है तो इसका रिजल्ट कुछ दिन बाद आने लगता है, भारत को रशिया ऑफर देता है कि कच्चा तेल आप हमसे खरीद लो। तो बस उसके बाद भारत रशिया की ओर शिफ्ट हो गया और इनकी इकोनॉमी लगातार फिर डाउन जाने लगी, यानी कि इनका जो बैलेंस करंट अकाउंट है वो दोबारा से डाउन होने लगा। पिछले साल का एक आंकड़ा जिसमें बताया गया था कि इनका जो करंट अकाउंट है वो 49.2 अमेरिकन बिलियन डॉलर था, जो घटकर कितना रह गया था, 19.8। अभी भी सरप्लस में, लेकिन कम तो हुआ ना। मान लीजिए पहले का आंकड़ा 50 था, 50 से 25 रह गया, तो आधा रह गया ना। तो इसी तरीके से 49.2 अमेरिकन बिलियन डॉलर से घटकर ये कितना रह गया था, 19.8 अमेरिकन बिलियन डॉलर। और उसके बाद ये लगातार घटता जा रहा है। यहां पर आप देख भी सकते हैं कि जो डिमांड है कच्चे तेल की, वो भी लगातार घटती जा रही है। 2023 के भी आंकड़े आने वाले, 2022 से डेटा कंटिन्यूस आगे बढ़ता जा रहा है, यानी लगातार कमी होती जा रही है सऊदी अरब के कच्चे तेल के डिमांड में। तो सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है वो लगातार गिरती जा रही है। सऊदी अरब यूएई की तरह ही अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उन पे हो नहीं पा रहा है। अब उसको एकदम एकाएक तो होगा नहीं, कोई भी अपनी इकोनॉमी को अगर शिफ्ट करना चाहता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, तो उसमें सालों लग जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं आज कतर की, या मैं बात करूं यूएई की, तो उनको अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म पे लाने के लिए, अलग सेक्टर में लाने के लिए बहुत लंबा समय लगा। अब सऊदी अरब सोच रहा है एकाएक तो ऐसा तो होने वाला नहीं। हाँ, अगर सऊदी अरब को अपनी इकोनॉमी शिफ्ट करनी है तो इंतजार करना पड़ेगा समय का, और इतने में इनकी इकोनॉमी चरमरा सकती है। तो भारत के साथ ही जो खेल खेल रहे थे, कहते हैं ना, दूसरों के लिए कई बार खोदने वाला गड्ढे में इंसान खुद गिर जाता है, तो सऊदी अरब का यही हाल हुआ है। जो गड्ढा भारत के लिए खोदा जा रहा था, उसमें लगातार खुद ही गिरते जा रहे हैं। देखने वाले, आने वाले समय देखते हैं कि और इनकी इकोनॉमी कितनी गिरती है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए, निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। यहां पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के जो टॉप पास इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट भी यहां पर कवर कराए जाते हैं। आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मुहैया कराया जाएगा, यानी आपको अब किस स्टडी मटेरियल से पढ़ना है इसके लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशन का फीचर्स भी दिया गया है यहां पर। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, बाकी हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। हाँ, अगर आप इस कोर्स की फीस में 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप हमारा कूपन कोड आर शर्मा का, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर कोई शिकायत भी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कॉन्टेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।